ओके, श्रीमद भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 3 शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन श्लोक संख्या 13। सौनक उवाच, सौनक ने कहा, इति इस प्रकार, अभिव्याह्यतम जो कुछ कहा गया राजा ने निशम्य सुनकर भरत ऋषभ महाराज परीक्षित किम क्या अन्यत अधिक पुष्टवान पूछा भूय पुनः वैयासकिम व्यास के पुत्र से ऋषिम दक्ष कविम काव्यमय भावार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सौनक ने कहा, व्यास पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा, प्रश्न चिन्ह है, और क्या पूछा। तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्त में सारे दैवी गुण स्वतः विकसित होते हैं। इन गुणों में से कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार है, वह दयालु, शांत, सत्यवादी, समदर्शी, टूटी रहित, उदार, मृदु, स्वच्छ, अनासक्त, सर्वसुभैसी, संतुष्ट, कृष्ण का शरणागत, लालसा रहित, सरल स्थिर, आत्माराम, नियमित आहार करने वाला, ज्ञानी, शिष्ट, निर्भिमानी, गंभीर, सहानुभूतिशील, मैत्री भाव वाला, कवि हृदय, दक्ष तथा मौन रहने वाला होता रहता है। भक्त के इन 26 गुणों में जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में किया है, कवि हृदय का विशेष उल्लेख सुखदेव गोस्वामी के लिए हुआ है। उनके पठन द्वारा की गई श्रीमद् भागवतम की प्रस्तुति, उनके द्वारा दिया गया सर्वोत्कृष्ट काव्यात्मक योगदान है। वे स्वरूप सिद्ध विद्वान ऋषि थे, दूसरे शब्दों में वे ऋषियों में कवि थे। ओम अज्ञानति मृदान्येष्य ज्ञानां जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी महाराज की नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नमः। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम श्रीगुरुन् वैष्णववाच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखामिन्तानं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांतं राधाकांतं नमस्तुते तप्तकांचं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 13वां श्लोक। इत्यभिहायतम राज सौनक उवाच, इत्यभिहायतम राजा निशम्य भरत वर्षः किमन्यतु पुष्टवान भूयो वैयासकी ऋषि कविम। तो सौनक जो ऋषि बैठे हैं वो व्यासदेव के पुत्र
यहाँ पे कहा है कि व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी अत्य विद्वान ऋषि थे। ऋषि यानी कि वैयाशकिम व्यास के पुत्र और अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। काव्यमय ढंग से यानी कि एज इट इज विस्तार से वो समझाते थे। और आजकल लोग जो कविता कवि करते उसके साथ इसको नहीं सरखाया जाता, यानी कि जो एज इट इज उसने सीखा था अपने पिता से परंपरा के द्वारा वो यथार्थ रूप से वो व्यवस्थित समझा रहे थे एक एक शब्द। इसीलिए यहाँ पे बताया है बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे, वो सक्षम थे। लेकिन आज के कोई जो कथाकथित कथाकार है वो सक्षम नहीं है, क्योंकि उसमें सब भौतिक विचार धारणाएं रहती है। और फिर लिखते हैं, अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। यानी कि शौनक आदि ऋषि जो है वो शुद्ध गोस्वामी को पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने उसने आगे क्या पूछा। यानी कि यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी ये भागवतम का श्लोक बता रहे हैं और शौनक आदि ऋषि बैठे और बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने आगे अरे परीक्षित महाराज ने आगे क्या पूछा प्रश्न ने। इसी तरह आगे के श्लोक में हमने देखा परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है। परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान, जो भगवान के विषय में जो दिव्य ज्ञान है, भगवान हरि यानी कि कृष्ण के दिव्य ज्ञान, वह ज्ञान वास्तविक ज्ञान है जो भगवान में विषय के अनुसरण हो। जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भवरे पूरी तरह थम जाती है। यानी कि भौतिक आसक्ति जो है हमारी, ये भगवान की कथा इत्यादि सुनने से सब तरंगे थम जाती है। जैसे कोई हवा जाती हो तरंगे लेके और फिर रुक जाती है, थम जाती है, तो उसके साथ इसकी कंपैरिजन किए। उसी तरह अगर भगवान की कथा दिव्य ज्ञान जो कृष्ण के साथ जुड़ी ही हुई है वो अगर हम श्रवण करते हैं वो ज्ञान, तो हमारी भौतिक जो गुण है हमारी आसक्ति है वो सब थम जाएगी। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है। जो भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम का ये जो ज्ञान है वो भौतिक आसक्ति से रहित है, इसमें भौतिक आसक्ति नहीं है। भगवान की नाम रूप गुण लीला इत्यादि का यहाँ पे श्रवण बताया है, भक्तों का आदान प्रदान बताया है। ये खाली श्रवण करने मात्र से आत्मसृष्टि प्रदान करता है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों को द्वारा मान्य है, वो दिव्य है। और किसके द्वारा मान्य है? महापुरुषों के द्वारा, जैसे व्यासदेव है, शुद्ध गोस्वामी है, शौनक आदि ऋषि है, वैसे ही हमने यही ज्ञान चैतन्य महाप्रभु द्वारा और प्रभुपाद द्वारा महापुरुषों के द्वारा हमको ये प्राप्त हुआ। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आक्रोश नहीं होगा? यहाँ प्रश्न चिन्ह है कि आक्रोश कौन नहीं होएगा ऐसे ज्ञान से। नित्यम भागवत सेवया, यानी कि लोग जो बद जीव है वो इसे सुनने के बाद आकृष्ट होएंगे। कैवलम, यहाँ पे लिखा है कैवलम संपत पथस्तत्व भक्ति योग। कैवलम यानी कि दिव्य, भगवान का दिव्य ज्ञान सुनने के लिए कौन लालायुक्त नहीं होएगा? ये पिछले श्लोक में बताया। फिर यहाँ पे ये श्लोक में बताते हैं शौनक ने कहा, शौनक आदि ऋषि जो बैठे थे उसने शुद्ध गोस्वामी से कहा कि व्यास
पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे, यानी कि सब स्वीकार रहे कि सुखदेव गोस्वामी थे, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, हाँ, और विद्वान थे, और जो भी बात बताते थे वो पूरी काव्यमय यानी कि ढंग से यथारूप समझाते थे, हाँ, कि बद जीव का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, हाँ, हमको किसकी शरण लेनी चाहिए, यानी कि उसके वाक्य से सब आकृष्ट हो जाते थे। और जब नैमिषारण्य में पता चला कि महाराज परीक्षित का देहत्याग होने वाला है, हाँ, और सब ब्रह्मांड के ऋषि, हाँ, जो अंतर्यामी थे, जो ऋषि जो थे वो अंतर्यामी थे कि भाई आगे क्या होने वाला है, तो पहले से ही आ गए कि अभी व्यासदेव श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य करने वाले। देखिए कितनी ये भगवान की लीला आकृष्ट है। इसी तरह इसलिए पिछले श्लोक में बताया है कि और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है, तो भला ऐसा कौन होगा जो इसे आकृष्ट नहीं होगा। इसलिए सब लोग पूरे ब्रह्मांड से वहां ऋषि मुनि आ गए। अभी अतः उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। अभी प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक भक्त के कैसे गुण होते हैं, शुद्ध भक्त के, हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद ने उस गुणों को प्रस्तुत किया है। भगवान के शुद्ध भक्त में सारे दैवी गुण स्वतः विकसित होते हैं, उसको अलग शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। जो कृष्ण भक्ति में आ जाता है संपूर्णतया, हाँ, गुरु की शरण लेके, तो उसमें देवी गुण स्वतः ही आ जाता है, हाँ, काम क्रोध मोह लोभ इत्यादि वो छोड़ देता है जो शुद्ध भक्त है वो, हाँ, वो ये भौतिक आसक्ति से आसक्त नहीं रहता है, हाँ, अनासक्त रहता है। इन गुणों में से कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार है। महत्वपूर्ण जो गुण है, बहुत सारे गुण है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण गुण है वो यहाँ पे बताया है, तो इसका उल्लेख कर रहे हैं। जैसे शुद्ध गोस्वामी है, हाँ, फिर सुखदेव गोस्वामी है, ये इतने दयालु है, हाँ, और उसके अंदर में भी जो ऋषि मुनि है, हाँ, तो उसके क्या गुण होने चाहिए, उससे हमको यहाँ पे सीख मिलती है कि हमको ये हमारे में ये जो गुण है वो कैसे डेवलप करने चाहिए, कैसे विकसित करने चाहिए, हाँ, कि जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सके और भगवान की जो दिव्य लीला है उसको हम हृदय से समझ सके। तो पहला गुण यहाँ पे दिया है वह दयालु होते, हाँ, हम देखते हैं कि भक्त सब दयालु है। आज हम घर घर जाते हैं, हाँ, भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवतम कृष्ण बुक रामायण प्रभुपाद की स्मॉल पुस्तक, हर घर भक्त जाता है। कोरोना था फिर भी भक्त रिस्क लेके हर घर में जा रहे थे, हाँ, क्यों, क्योंकि उसको चिंता है, हाँ, जैसे प्रभुपाद श्री प्रभुपाद को पता था शरीर नहीं आत्मा है, और प्रभुपाद तो भगवान के सत्ताईस अवतार है, लेकिन प्रभुपाद ने उसकी गुरु की आज्ञा का पालन किया कि आप पाश्चात्य देश जाओ और बद जीव का उद्धार करो, तो प्रभुपाद ने फौरन वो आज्ञा स्वीकार ली हृदय से कि जो गुरु की आज्ञा है वही भगवान की आज्ञा है, और वहाँ जाके कितना कष्ट उठाया प्रभुपाद ने। मालवाहक जहाज में श्री प्रभुपाद गए, हाँ, दो अटैक आ गए, वहाँ पे न्यूयॉर्क बंदर पे उतरे, जब देखा कि सब बद जीव, हाँ, इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है और चार नियम का भंग कर रहे, दारू नशा मांसाहार अवैध संग जुगाड़, लेकिन प्रभुपाद इतने दयालु थे कि ये सब का मैं उद्धार कैसे करूं, हाँ, प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था, खाली एक बक्से में भागवतम के स्कंद और 40 रुपया लेके गए थे, लेकिन उसको विश्वास था गुरु और भगवान पे कि मेरा काम है ये बद जीव का मैं कैसे उद्धार करूं। तो प्रभुपाद ने इतना बड़ा रिस्क लिया, जैसे था वैसे वही परिस्थिति में प्रभुपाद पेड़ के नीचे बैठ के, हाँ, मृदंग भी नहीं था प्रभुपाद के पास, और डुगडुगी बजा के खाली हरि नाम पे प्रभुपाद को विश्वास था, हाँ, हम जप करते हैं, बोलते चालते, हाँ, हम जप करते रहते हैं,
जैसे भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, लेकिन प्रभुपाद को कितना विश्वास था, यानी कि ये प्रभुपाद की जो लीलाएं है, हाँ, प्रभुपाद का जो जीवन चरित्र है उससे हमको ये सीख मिलती है कि हम कैसे दयालु बने, हाँ, बद जीव को उद्धार करने के लिए हम कैसे घर से बाहर निकले और डिस्ट्रीब्यूशन में जाए। ऐसा नहीं कि फक्त हम खाली मैराथन में ही जाए, हाँ ठीक है, मैराथन में भी आते हैं, वो भी बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य है, लेकिन हमें रोज जाना चाहिए, रोज नहीं तो गृहस्थ को वीकली एक बार जाना चाहिए, जिससे हमारा भी शुद्धिकरण हो और बद जीव को भी हम भगवान की शरण की ओर और प्रभुपाद की शरण में लेके आए। तो ये है वास्तविक दया। फिर शांत भक्त हमेशा शांत रहता है। हम देखते हैं कि भौतिकतावादी, हम घर में जाते हैं, अभी तो मैंने नहीं देखा, लेकिन पहले में डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे तो इतना झगड़ते अंदर वो कौन आया है द्वार पे, ये साधु लोग आए हैं कुछ प्रचार के लिए, वो इतने झगड़ते, ऐसे ही बोलते हैं कि भाई हमारा घर का जो झगड़ा है, हम यहाँ गाली गलौज कर रहे हैं, हमारा टेंशन है, तो हम आपको कहाँ यहाँ सुनेंगे भगवद गीता, आप चले जाओ वापिस। देखो वो लोग के पास अशांति ही है, क्यों अशांति के, उसके पास ज्ञान ही नहीं है ना, वो शरीर लेवल पे सब अभी सब देख रहे हैं, लेकिन भक्त कितना भी उसका अपमान होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, हाँ सेवा में, फिर भी वो शांत रहता है कि भगवान की इच्छा, हाँ मैं भगवान का प्रचार करने के लिए आया हूँ, अगर मेरे को कोई गाली भी दे, हाँ कोई डांटे भी, तो मुझे नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जीव का कल्याण करने को आया हूँ, वो अज्ञानवश है, वो अज्ञान में है, हाँ उसे पता ही नहीं है भगवान कौन है, हाँ अथो सो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जिज्ञासा ही नहीं कर सकता है मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ, हाँ ये भक्त जानता है, इसलिए भक्त शांत रहता है, हाँ क्योंकि भक्त कृष्ण की शरण में है और ये देवी गुण स्वतः ही उसमें विकसित हो जाते हैं। देखो कितना बड़ा फायदा है भक्त होने में। सत्यवादी भक्त हमेशा सत्य बोलता है और हमें सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति में प्रगति हो। तो भगवान जो भगवद गीता में, भक्त जो है भगवद गीता में जो बता है वही वहाँ पे प्रस्तुत करता है, जो भी बद जीव है उसको बताता है कि भगवान ऐसे बोलते एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षो विदुह स काल नेता युगो नष्ट परम तप, कि आप इतनी सारी भगवद्गीता पढ़ रहे हो, इतने शास्त्रे पढ़ रहे हो, हाँ लेकिन प्रामाणिक शास्त्र आप पढ़ो, ऐसे सत्य बोलता है, ऐसे समझाता है कि बहुत सारी भगवद्गीता है, बहुत सारे मायावादी निरिशेषवादी ने पुस्तकें लिख दिए है, लेकिन वास्तविक ज्ञान भगवान बता रहा है भगवद्गीता में चौथे अध्याय में दूसरे श्लोक में, तो आप ये इसका अध्ययन करो जिससे आपका कल्याण हो, ऐसा सत्य बोलता है। समदर्शी रहता है भक्त, हमेशा समदर्शी रहता है, हाँ भेदभाव नहीं करता है, लेकिन कोई कारणवश अगर कोई टूटी हो जाती है कोई भक्त से, या कोई भक्त अपराध कर रहा हो, अगर उसको समझाया जाए या डांटा जाए, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि समदर्शी नहीं है, वो हमारे कल्याण के लिए बोल रहा है और त्रुटि रहित रहता है, हाँ क्योंकि वो जो भी सेवा कर रहा है वो कृष्ण को केंद्र में रख के कर रहा है। हाँ आज नैमिषारण्य में सब ऋषि है तो यहाँ पे बता रहे हैं, हाँ और कोई त्रुटि नहीं है उसमें, जो यथारूप जो उसने सुना है, हाँ ब्रह्मा जी से, नारद से, हाँ व्यास से, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन लोग मायावादी और निरीशेषवादी क्या करते हैं, उसमें भी त्रुटि निकालते हैं, लेकिन भक्त जानता है कि जो गुरु हमको ज्ञान दे रहे हैं, हाँ शिक्षा गुरु हमको कोई ज्ञान दे रहे हैं और प्रभुपाद ने जो ये ग्रंथ लिखे हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर वो त्रुटि निकाल रहा है तो अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा वो त्रुटि निकाल रहा है, क्योंकि पूर्ण है ही नहीं ना, ये हमें समझना चाहिए। और भक्त उदार रहता है, हाँ दान देने में उदार रहता है, हम देखते हैं ना सारे भक्त है तो सेंटर में सब दान दे रहे, उदारता है, हाँ कोई प्रसाद स्पॉन्सर कर रहा है, हाँ उदार दिल वाला, मृदु स्वच्छ,
भक्त हमेशा स्नान कर लेता है, यानी कोई शौचालय जाता है तो भी वो फौरन स्नान कर लेता है। अपवित्र भक्त नहीं रहता है, वो हमेशा पवित्रता रखता है। अनासक्त, भौतिक जो भोग है वो शुद्ध भक्त उसको भोगने की इच्छा नहीं करते, उसे अनासक्त रहते हैं। और भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय है जो दयालु है, शांत है, अनासक्त है। भगवद गीता में भगवान 12वां अध्याय भक्ति योग में 15 श्लोक में बता रहे हैं, यस्मात् न उद्रिजते लोको लोकानो द्रिजते चय हर्ष मर्ष हर्षा अमर्ष भय उद्वेग मुक्तो यश च मे प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, भगवान को ऐसे भक्त बहुत प्रिय है। ये सब गुण है, ये गुण हम विकसित करेंगे तो हम स्वतः ही भगवान को प्रिय हो जाएगा, ऑटोमेटिक भगवान को प्रिय हो जाएगा। इसे भक्त भगवान को प्रिय है। सर्व शुभेशी संतुष्टि कृष्ण का शरणागत, सर्व शुभेशी सब पे वो शुभ आशीष बरसाता है। किसी का भक्त बुरा नहीं इच्छता है कि भक्ति से निकल जाए, कि वो बद जीव यहाँ पे आ रहा है तो ये नहीं आए तो अच्छा है, नहीं। भक्त ऐसा नहीं सोचता है। हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो उन सारे लोग को आमंत्रित करते हैं सेंटर पे कि आप हमारे सेंटर पे आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का प्रवचन सुनिए। देखो आपको कुछ करने का नहीं है, ये शुभेच्छी है। शुभेच्छी यानी कि उसका आत्मा का कल्याण करना चाहता है, ये बात है शुभेच्छी। ऐसा नहीं कि वो आए और भौतिक भोग भी करे और यहाँ पे हम उसको भौतिक इंद्र तृप्ति में लीन करें, आप बहुत अच्छे है, ये है, आप पिक्चर देखने के, नहीं। शुभेच्छी यानी कि भक्त क्या करता है, उसका आत्म कल्याण करता है। ये जीव जो शरीर लेवल पे है वो छूट के, हम भी बद है, हम प्रयास कर रहे हैं देहात्मा बुद्धि से छूटने का, कि कृष्ण की प्रेमाय भक्ति की तरह हम आगे बढ़े। वही ज्ञान हम प्रयास कर रहे हैं और वो लोग को भी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि भी भौतिक आसक्ति से दूर रहे और भगवान कृष्ण की शरण में आए। इसलिए कृष्ण का शरणागत रहता है। शरणागत यानी कि जीव को वो कृष्ण की शरण में लाता है, लेकिन कब ला पाएगा, जब वो खुद कृष्ण की शरण में हो, शरणागत हो, यानी कि हमको संपूर्णतया शरणागत होना पड़ेगा। अच्छी तरह हम साधना करेंगे, जप करेंगे, रीडिंग करेंगे और कृष्ण को केंद्र में रखेंगे तो बद जीव को हम जो डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं वो लोगों को हम फौरन लाएंगे, हमारी वाणी का प्रभाव पड़ेगा अगर हमारी साधना सही होगी। हृदय से हम देखेंगे कि भगवान दरेक के हृदय में है और भगवान के साथ हमारा संबंध टूट जाने पर, क्यों, क्योंकि हमने इच्छा की भौतिक भोग की, इसलिए हम भगवान से हमारा संबंध स्थापित नहीं कर पाए। हमारा संबंध था लेकिन भौतिक भोग की इच्छा से हम नीचे गिर गए और वही हम अभी वापिस प्रोसेस कर रहे हैं कि हमारा पुनः संबंध भगवान से कैसे स्थापित हो। तो ये सब गुण आते हैं तभी हम ये सोच पाते हैं, वरना हम देखते हैं कौन सोचता है। आज सब लोग काम धंधा नौकरी इत्यादि में व्यस्त है पूरे के पूरे, किसी के पास समय नहीं है। भगवान कौन है, देव देवता कौन है, मेरा उद्देश्य क्या है, बस आहार निंद्रा भय मैथुन्य च सामान्य पशु भी नरणाम, बस यही चीज़ कर रहे लोग। यही क्या समाचार आया, क्या नोटबंदी हो गई, कौन सी नोट बंद हो गई, 2000 की बंद हो गई, कोई भक्त को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क किसको पड़ने वाला है, जिसके पास ज़्यादा नोट है। देखो ये सोचने जैसा है ना, जैसे लोग अभी बोल रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा होएगा तो हम सुखी होएंगे, तो जिसने ये 2000 की नोट का संग्रह किया है, स्टॉक रखा हुआ है, जो बहुत अमीर है,
छोटे मोटे को तो जिसके पास थोड़ी बहुत नॉट है उसको चिंता नहीं है, लेकिन ज़्यादा जिसने संग्रह किया है कि इससे मैं भविष्य में सुखी हूँगा, तो देखो ये नॉट बोले सितंबर के पहले आप चेंज कर डालो, यानी कि उसका चैन खत्म हो गया। हाँ, जो सुख की आशा के लिए उसने जो नॉट रखी थी वही नॉट दुख में परिवर्तन हो रही है, इसलिए दुखालय शाश्वतम। हाँ, ये दुख का जगत, यहाँ पे कोई सुखी होएगा नहीं। ये सभी को सोचना चाहिए कि हम जो सुख के पीछे भाग रहे हैं, भौतिक सुख के पीछे, वो हमको कभी भी शाश्वत सुख देगा नहीं। शाश्वत सुख तभी आपको मिलेगा कि आप कृष्ण की शरण में जाओ, उसकी शरण ग्रहण करो, शुद्ध भक्तों का संग करो, हाँ, और उनके द्वारा आत्मकल्याण के बारे में पूछो, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में से आप बाहर निकलो, तभी आप भगवान के साथ अपना संबंध बना पाओगे और शाश्वत सुख प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा पॉसिबल ही नहीं है। और भक्तों को भी विशेष ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम भक्ति भी करें और भौतिक आसक्ति में आसक्त भी रहे तो हम आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। जैसे पर्वत पाठे में सविशा जी प्रभु ने बताया था, इसका एग्जाम्पल दिया था कि भक्त भौतिक भोग भी कर रहा है और भक्ति भी कर रहा है, यानी कि वो आग जो है वो लगा भी रहा है और उसमें वापिस पानी भी डाल रहा है, एक बाजू से पेट्रोल भी डाल रहा है, एक बाजू से पानी भी डाल रहा है। तो ऐसी हमारी परिस्थिति है, यानी हमको समझना चाहिए कि हमें संपूर्ण शरणागत होना चाहिए और शुद्ध भक्ति की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण का शरणागत लालसा रहित, लोभ नहीं रहता है, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। जैसे हम बहुत बड़ा उत्सव रहता है जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा, तो 56 भोग यानी कि 120 भोग 150 भोग यहाँ बने रहते हैं, हर जगह पे देखते हैं, तो उसको हमको भक्तों में बांट देना चाहिए, डोनरों को देना चाहिए, जिससे वो डोनर को हम कृष्ण भक्ति में ला सके। ऐसा नहीं कि ये जो अच्छा भोग है ठीक है, भक्तों को भगवान का कृष्ण का प्रसाद लेना चाहिए, लेकिन स्वार्थ भावना से उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए कि अच्छा है ये आइटम मैं ले लूँ, ये आइटम मेरे साथ में उसको दे दूँ, बाकी को सब ये दे दूँ। हमारा विचार ये होना चाहिए कि मैं पहले जो भी अच्छा है वो सब मैं भक्तों में बांट दूँ, मेरे लिए कुछ बचे के नहीं बचे, अगर कुंडा में कुछ नीचे थोड़ा पड़ा भी है तो मैं चख लूँगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, हाँ, और भगवान संतुष्ट होएंगे। तो ये संतुष्टि है, यहाँ पे जो संतुष्टि दिखा है ना गुण में एक, तो भक्तों को ऐसी कॉन्शियस होनी चाहिए। भगवान ने एक जब आप देखिए वो 60,000 शिष्य एक किसके थे, हाँ दुर्वासा मुनि, जब दुर्वासा मुनि सब उनके शिष्य के साथ युधिष्ठिर महाराज के जो कुटिया थी वहाँ पे भोजन करने के लिए जा रहे थे, दुर्योधन ने भेजा था। दुर्योधन दुष्ट था, हाँ स्वार्थी था कि पांडवों का विनाश कैसे हुआ, उसको दुख कैसे आए, हाँ ये सुखी नहीं हुए, इसलिए दुर्वासा मुनि को उसने युधिष्ठिर महाराज जो पांडव रह रहे थे वन में वहाँ पे भेज दिया कि इसके पास तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, और जो अक्षय पात्र है उसमें से जो द्रौपदी मांग रही थी वो सब कुछ निकल रहा है, उसका समय समाप्त हो गया, तो मैं इनको भेज दूँ। जैसे लोग इसे दुर्वासा मुनि और उसके शिष्य को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और दुर्वासा मुनि श्राप देंगे, क्योंकि दुर्वासा मुनि श्राप देने में बहुत प्रख्यात थे, खाली एक ही बची थी जो थी कुंती महारानी, उसके श्राप से नहीं, बाकी दुर्वासा मुनि से इंद्र को भी श्राप दे दिया था, हाँ वो जो भगवान की माला दी थी वो इंद्र ने फगा दी थी, तो ऐश्वर्यहीन हो गया था, ये सब भगवान की लीला है। यानी कि कहने का तात्पर्य है तो पांडव जो थे वो भगवान के
शरणागत थे। और भगवान ने द्रौपदी को बोला कि भाई कुछ है तो लाओ, भगवान तो अंतर्यामी है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। तो देखो भगवान को भक्त की कितनी चिंता रहती है कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। और वहाँ जाके जब एक चावल का दाना भगवान ने ग्रहण किया तो पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो गया। यानी कि वो जो 60,000 शिष्य दुर्वासा मुनि के साथ आए थे और नदी पे स्नान करने के बाद वो लोग यहाँ पे पधारने वाले थे प्रसाद ग्रहण करने को, लेकिन इतना पेट वो लोग का फुल हो गया कि बोले अभी हम वहाँ पे जाएंगे तो हमसे और प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाएगा तो ये गलत होएगा, तो वो सीधा वहाँ से ही चले जाते हैं। अब देखिए, यानी कि इससे हमें सीख मिलती है कि भगवान की शरण ग्रहण करने से भगवान हमारी सब तरह से रक्षा करते हैं, यानी कि भगवान पे हमको पूरा भरोसा होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा है कि कृष्ण का शरणागत, और दूसरा संतुष्ट, यानी कि एक दाना से भगवान सबको संतुष्ट कर सकते हैं। तो हमें भी जब हमारे पास भी प्रसाद वितरण की सेवा हो, हमारे लिए बचे या न बचे, हमें उसमें संतुष्टि अनुभव करना चाहिए कि मैं इसको कृष्ण के भक्तों में और आए हुए सब में बांट दूँ, मेरे लिए कुछ रहे कि नहीं रहे, हाँ इसमें से अच्छा ले लूँ ये लूँ। तो हमारी अभी भी डिज़ायर है कि मैं कुछ अच्छा ग्रहण करूँ और दूसरा ऐसे ही दे दूँ, ऐसी हमारी भावना नहीं होती, ये हमको सीख मिलती है। हाँ तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए, सरल स्थिर आत्माराम, नियमित आहार करने वाला। देखो शुद्ध भक्त नियमित आहार कर दे, हमारा सेंटर पे प्रसाद होता है, मंदिरों में प्रसाद होता है, एक समय निश्चित किया है, मंदिरों में 9-10 बजे प्रसाद हो जाता है, फिर शाम को 5 बजे होता है। और हम भौतिकतावादी लोग देखते हैं कुछ भी, यहाँ से मैं जाता हूँ ये मॉर्निंग साधना पता के, तो आपको मैं BITS में छोड़ता हूँ गोरदाम वो कापड़े हेल्प क्लब के पास, तो वहाँ पे वो इडली संभार लेके कोई खड़ा रहता है, तो जो कार वाले आते हैं ना बड़े बड़े, वो भी वहाँ पे खड़े रह जाते हैं। तो मैं बोला ये लोग को इतना क्या स्वाद इसमें लगता है, यानी कि वो घर से तो ब्रेकफास्ट प्रसादम करके निकलते हैं फिर भी खाउधरा की तरह ये कहाँ भी खड़े हो जाते हैं। आप देखिए कुछ भी खाने को कोई समय ही नहीं है लोग के पास, हाँ यानी कि नियमित आहार नहीं है, और वो लोग ठूसते ही रहते हैं, चाइनीज़ वड़ा पाव, हाँ चाय कुछ भी। और भक्त देखिए फेस्टिवल रहता है या किसी का बर्थडे रहता है, एनिवर्सरी रहता है, तो सब स्पॉन्सर होता है, लेकिन स्पॉन्सर होता है लेकिन ऐसा नहीं कि कभी भी प्रसाद बना दो, कभी भी खिला दो, उसका नियमित समय रहता है कि भाई शाम का प्रसाद है या दोपहर का प्रसाद, उस समय नियत कर दे। फिर भक्त बीच में नहीं लेता है फलाहार इत्यादि कुछ ले लेते होगे कोई, लेकिन वो यानी कि कृष्ण को जो भोग है वो धराया हुआ ग्रहण कर दे। और भगवद गीता में तो भगवान बोलते बताते हैं कि मेरे को जो अर्पण किया जो भी लोग खाते हो पाप खाते, इसका कोई समय तो निश्चित नहीं है आहार का, लेकिन पाप भी ग्रहण कर रहे, तो कितना भक्ति में फायदा है। और शांति, आज पूरा देश शांति चाहता है, क्या चाहता है, शांति चाहता है, और देश ऐसा चाहता है कि सब सत्यवादी हो, शांति हो, शुभेच्छी हो, समदर्शी हो, लेकिन कृष्ण भावनामृत में आने से जीव स्वतः ही, यहाँ पे लिखा है कि भगवान के शुद्ध भक्त में सारे गुण दैवी गुण स्वतः विकसित होते हैं। यानी कि सबको ये श्रीमद् भागवतम भगवद्गीता पढ़नी चाहिए जिससे उसको एक ज्ञान हो कि जो देश, हाँ हर एक देश, अपने देश की बात नहीं, हर एक देश ये चाहता है कि उसके देश में शांति बनी रहे, हाँ लेकिन उसके गुण विकसित होएगा कैसे, जब ज्ञान देने वाला ही तमोगुणी रजोगुणी हो तो देश की प्रजा में तमोगुण रजोगुणी आएगा ना, ज्ञान देने वाला भी तो सतोगुणी होना चाहिए, राजा भी तो सतोगुणी होना चाहिए, हाँ प्रजा का कल्याण करने वाला भी तो सतोगुणी होना चाहिए। एक बाजू तमोगुणी आहार की परमिशन दे रहे हो मांस दारू, और आप इच्छा कर रहे हो कि शांति बनी रहे, तो शांति कहाँ से बनी रहेगी, जहाँ गाय कट रही हो, दारू का सेवन हो रहा हो, और धर्म के
विरुद्ध आचरण हो रहा हो तो आप शांति की उपेक्षा कैसे रखते हो? ये सब कलयुग प्लानिंग करके ही बैठा है, लेकिन भक्त इससे बचे हुए है। और भक्त अगर प्रभुपाद की शरण पकड़ के, गुरु की शरण पकड़ के रहेगा, तो ये कलयुग के प्रभाव से और प्रकृति के तीन गुणों से वो बच पाएगा, वरना भक्त भी इसमें से नहीं बच पाएगा। तो हमें ये सब गुण ग्रहण करने चाहिए। नियमित आहार करने वाला ज्ञानी, भक्त ज्ञानी होता है, भक्त अज्ञानी नहीं होता है। हाँ, उसको श्लोक कंठस्थ हो या नहीं हो, लेकिन भक्त ये जान गया कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, हाँ सबके स्त्रोत्र है, हाँ पूर्ण पुरुषोत्तम है, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है, इसकी शरण के बिगर में कहाँ जाऊँगा? नहीं, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ व्यासपीठ पे बैठ गया हूँ और थोड़ा बहुत बोल दिया हूँ तो मैं ज्ञानी हो गया। नहीं, मैं भी अज्ञानी ही हूँ आज भी। ये प्रभुपाद की जो ग्रंथ है उसको मैं ग्रहण करके परंपरा द्वारा मैं समझ रहा हूँ, हाँ तभी मेरे में हमें ये देवी गुण आ सकते हैं, वरना हम भी अज्ञान में ही है। तो अगर देश को शांति चाहिए, सत्यता चाहिए, तो उसको पहले सबको कृष्ण भावनामृत बनाना पड़ेगा। प्रभुपाद बोलते हैं ना कि श्री प्रभुपाद बताते हैं कि एक छोटा पाकिस्तान के लिए हम झगड़ रहे हैं, अगर सबको कृष्ण भावनामृत बना दो, भक्ति में ला दो, तो पूरा संसार कृष्ण भावना भाई हो जाएगा, इंडिया फॉरेन ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं। तो यह है ज्ञान की विशेषता। शिष्ट निरभिमानी, अभिमानी नहीं रहता भक्त। ओ मैं बहुत बड़ा होद्दे पे हूँ, मैं लीडर हूँ, तो ये अभिमान नहीं आना चाहिए। भगवान आपको कुछ ऊपर की पोस्ट देते हैं, आपके सद्गुणों और कृष्ण भक्ति में लोग कैसे आए और उसका प्लानिंग कैसे कर पाओ, इसलिए भगवान आपको उच्च पद देते हैं। जैसे किसी को मैनेजर का पद मिलता है, किसी को सीएम का मिलता है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन उसकी योग्यता है, वो योग्यता के हिसाब से उसको पद दिया जाता है, लेकिन उसका योग्यता का जो पद का जो उपयोग है वो उसको कृष्ण भावना भावित में करना चाहिए, नहीं कि अपनी प्रतिष्ठा, हाँ मान प्रतिष्ठा में। अगर मान प्रतिष्ठा में गए तो समझ लीजिए कि हम माया को आमंत्रित कर रहे हैं और हम माया की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और भक्त हमेशा गंभीर रहता है कि मैं भक्ति से, इसमें गंभीरता एक गुण है, गंभीर यानी कि वो भक्ति से विचलित ना हो। सहानुभूतिशील, मैत्री भावना, कवि हृदय, दक्ष तथा मौन रहने वाला रहता है। भक्त के इन 26 गुणों में जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में किया है, यानी कि चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के रचिता है, कवि हृदय का विशेष उल्लेख सुखदेव गोस्वामी के लिए हुआ है। बहुत अच्छी तरह वो आत्मकल्याण का ज्ञान दे रहे हैं। इसको बोलते हैं कवि, वास्तविक कवि ही नहीं के लोगों को मनोरंजन करके काल्पनिक गीत बना के, कविता बना के और लोगों को आनंद दे, वो कवि नहीं। वास्तविक कवि है जो बद्ध जीवों को कृष्ण की शरण मिल जाए और उसको आत्म साक्षात कराए। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो और भगवान के साथ आपका वास्तविक संबंध क्या है, और कृष्ण क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, वो जो समझाता है वो वास्तविक कवि है। इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को विशेष कवि हृदय, भगवान साक्षात उसके हृदय में विराजमान है, सुखदेव गोस्वामी के लिए हुआ है। ये सब गुण सुखदेव गोस्वामी में है, ये सारे गुण सुखदेव गोस्वामी ने, इसलिए यहाँ बोला है कि वास्तविक उल्लेख सुखदेव गोस्वामी में, सुखदेव गोस्वामी के लिए हुआ है। तो हमें गुण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। उनके पठन द्वारा की गई श्रीमद् भागवतम की प्रस्तुति
उनके द्वारा दिया गया सर्वोत्कृष्ट काव्यात्मक योगदान है। वे स्वरूप सिद्ध विद्वान ऋषि थे, दूसरे शब्दों में वे ऋषियों में कवि थे। ऋषियों में जो ऋषि है वो ऋषियों में कवि थे, यानी कि ज्ञानी थे, दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले थे। हाँ हाँ, पॉइंट से नहीं। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं इसमें, जैसे आज लोग ब्राह्मण बन गए हैं, हाँ हम ब्राह्मण हैं, हम कथाकार हैं, तो प्रभुपाद उदाहरण लिखते हैं। एक न्यायाधीश का प्रभुपाद उदाहरण देते कि ब्रह्म बंधु शब्द महत्व का है। ब्रह्म बंधु यानी कि जो ब्राह्मण कुटुंब में जिसका जन्म हुआ है लेकिन उसकी ब्राह्मण की लायकात नहीं है, यानी कि गुणों से ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कुटुंब में उसका जन्म तो हुआ है, उसको बोल दिया जाता है ब्रह्म बंधु, लेकिन ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के गुण उसमें हो, सत्य दया जैसे यहाँ भी हम गुण देख रहे हैं, तो वो ब्राह्मण है, हाँ वो वैष्णव है। और प्रभुपाद उसका उदाहरण देते हैं, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश रहता है वो उसका जो पुत्र है वो न्यायाधीश नहीं है, हाँ पर हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसका पुत्र को ये न्यायाधीश का पुत्र है वैसे हम संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि न्यायाधीश का एक पद है, उसके पास गुण है, उसके पास कुछ डिग्री है, उसको सिलेक्ट किया है तब जाके उसको न्यायाधीश का पद मिला। इसी तरह ब्राह्मण कुटुंब में अगर वो ब्राह्मण के गुण विकसित नहीं कर रहा है तो ब्राह्मण कहाँ नहीं जा सकता है, वो ब्रह्म बंधु किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे न्यायाधीश का जो उदाहरण दिया हुए हिसाब से। यानी कि जन्म के अधिकार से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता है, तो उसमें ये लायकात होनी चाहिए। और महाभारत में भी भीष्म देव ने कुछ गुण दिए, नौ गुण, सामान्य मनुष्य और उत्तम मनुष्य के तफावत क्या है। तो सर्व मनुष्य माटे भीष्म देवे नौ सद्गुणों जणाव्या छे। क्रोध न करवो, असत्य न बोलवू, धननी समान वेचाणी करवी, तो आज तो सामान्य मनुष्य में है ही नहीं। धननी समान वेचनी यानी कि एक पिता है और उसका जो वारसाई में जो धन मिला है तो उसको जो पुत्र है तो उसको समानता के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ऐसा, लेकिन आज ये संभव नहीं है। और असत्य लोग बोल रहे हैं कोई गुण इसमें नहीं है, क्रोध आज सब क्रोध कर रहे हैं, क्षमा आपी, क्षमा देने की तो बात ही दूर रही, मेरे को ऐसा क्यों बोला, हाँ मेरे को ऐसा, आप बोलने वाले कौन होते हैं, तुम तुम्हारा काम करो। देखो तो समा की बात करी, पुतानी पत्नी थी संतति प्राप्त करनी, खुद की पत्नी से संतान उत्पन्न करनी, मन थी पवित्र अन शरीरे स्वच्छ रहू, मन थी पवित्र, हमेशा पवित्र विचार हो जाए, शरीर ने स्थान थी हरिनाम थी अपने अंदर थी पवित्र राखी छे, बाहर थी अपने बाह्य स्नान करिए छे, कोईना प्रत्ये वैर नहीं राखू। और ये कलयुग में सब वैरी ही है, सब धंधे में कंपटीशन, अगर पॉलिटिकल में भी ऐसा ही है कि मेरी कुर्सी गई उसके पहले इसको मैं हटा दूँ। देखिए ये पहले के राजा थे और पांडु के जो पुत्र थे, पांडु जाने के बाद ये सब पांडव भीष्मदेव के अंडर में थे, पूरा कौरव भी हो रहे, तो ये भीष्मदेव यहाँ पे बाण से यहाँ पे थे तब ये सब उपदेश ऐसा दे रहे। साधु जीवन अने नौकरो तथा माणसों भरण पोषण करूँ, उपरोक्त प्राथमिक सद्गुणों मेला विना व्यक्ति सुसंस्कृत सुधरली कहवाय नहीं। ये प्रभुपाद ने भागवत में कोट किया है, स्कंद प्रथम अध्याय 9 श्लोक संख्या 26 में। तो जो सुसंस्कृत व्यक्ति है उसमें ये गुण होने चाहिए, तो आज कोई सुसंस्कृत नहीं है।
और सुसंस्कृत बनना हो तो उसको भक्ति में आने पड़ेगा, कृष्ण भक्तों का संग करना पड़ेगा, तब जाके वो मनुष्य लेवल पे आएगा। आप समझिए, भक्तों का संग करने के बाद मनुष्य लेवल पे आएगा, और जब वो दीक्षा ग्रहण करेगा, गुरु के शरण में जाएगा, वो तब जाता है। कब जाता है? जब वो समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और कृष्ण ही पूर्ण है। तो वहाँ से गुरु की शरण लेने के बाद जीवात्मा का नया जीवन शुरू होता है। बाकी आज तो सब इंद्रिय तृप्ति में पड़े, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरति जरणम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे सहन। तो इस तरह यहाँ पे सनकादि ऋषि सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। और यहाँ पे जो व्यासदेव है उनके यहाँ पे कुछ 26 गुण बता रहे हैं जो कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख किया है। तो हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए जिससे हमारी वास्तविक स्थिति हमको पता चले कि हमारे में गुण है कि नहीं है। हमें खाली यही नहीं कि सेंटर पे आए, मंदिर में गए, घर पे हम साधना कर रहे, लेकिन वास्तविक क्या हमारे में गुण प्रकट हो रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि वास्तविक हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो ये श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्त में वास्तविक गुण कैसे डेवलप होते और कैसे करने चाहिए। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जाय। श्रील प्रभुपाद की जाय। वांछा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।